सर्वप्रथम तो तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि राज्य के नियोजन नीति आंदोलन का छात्रों तक पहुंचाने के लिए पल पल का खबर को आप लोग हम योगदान दे रहे हैं। सबसे प्रमुख संदेश राज्य के युवाओं के लिए है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो आगामी 20 मार्च 2023 को विधानसभा घेराव का था, वह प्रतिस्थापित करते हुए वही दिन, वही दिनांक, वही समय पर हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और आगामी 20 मार्च 2023 को यही बापू वाटिका मोरहाबादी के समक्ष पूरे झारखंड के छात्र नौजवान एकत्रित होंगे और बापू वाटिका मोरहाबादी से अधिकार यात्रा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री आवास घेराव इसलिए क्योंकि हम लोग लगातार डिजिटल और फिजिकल आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग का हर आंदोलन भी सफल हो रहा है और पिछला 21 दिसंबर का जो ऐतिहासिक विधानसभा घेराव था, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सदन के अंदर कहे थे कि एक महीना के अंदर नियोजन नीति झारखंडी हित में लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन आज एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, तीन महीना बीतने जा रही है और हम लोग का डिजिटल और फिजिकल का सफल आंदोलन के परिणाम स्वरूप सदन के अंदर सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, लगातार मुख्यमंत्री पर सवाल कर रहे हैं नियोजन नीति के विषय पर, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय पूरी तरह खामोश है, नियोजन नीति के मामले पर बिल्कुल बयान नहीं दे रहे हैं, पूरा चुप्पी सधे हुए है। अर्थात नियोजन नीति का जो समस्या का मुख्य जड़ है वो आदरणीय मुख्यमंत्री है, इसलिए झारखंड के छात्र नौजवान अब सीधे तौर पर जो समस्या का जहां जड़ है अर्थात मुख्यमंत्री महोदय के आवास की ओर कूच करेंगे और अपना अधिकार की मांग करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।